नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नई रेल लाइन बिछाने का सर्वे कार्य हुआ पूरा। अंबिकापुर से बिंडमगढ़ तक दौड़ेगी ट्रेन। बरवाडी और रेणुकूट की दूरी हो जाएगी कम, ग्रामीणों में खुशी। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के बिंडमगंज तक नई रेल लाइन बिछाने का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। जयपुर की निजी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट में बिंडमगंज से अंबिकापुर की दूरी 150 किलोमीटर से कम बताई गई है। इसके अलावा इस रेल खंड पर 12 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, साथ ही 3 से 4 सुरंग मार्ग भी बनाने का प्रस्ताव है। सर्वे एजेंसी द्वारा पिछले कुछ महीने से इस नए प्रस्तावित रेल मार्ग पर सर्वे का काम किया जा रहा था। सर्वे के दौरान लगाए गए चिन्ह वाले स्थान पर अब पिलर गाड़ने का काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्रालय के निर्देश पर बरवाडी रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर तक की सर्वे हुआ, उसमें दूरी 199.98 किलोमीटर तथा लागत 8,758.37 करोड़ रुपए बताया गया। जबकि सोनभद्र जिले के रेणुकूट से अंबिकापुर की दूरी सर्वे रिपोर्ट में 152.30 किलोमीटर और लागत 8,227.92 करोड़ रुपए दिखाया गया। सूत्रों के अनुसार बिंडमगंज से अंबिकापुर की दूरी और लागत दोनों बरवाडी और रेणुकूट से कम बताई गई। रेल मंत्रालय इन तीनों रेलवे स्टेशनों के सर्वे रिपोर्ट पर एक एंगल से अध्ययन कर जल्द ही निर्णय लेगी। यूपी के स्टेशन से जुड़ना चाहते हैं अंबिकापुर के लोग। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद मंडल के बरवाडी चौपन रेल मार्ग से दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर के अंबिकापुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने की मांग कई दशकों से अंबिकापुर के लोग करते आ रहे हैं। अंबिकापुर के लोग अंबिकापुर को रेणुकूट या बिंडमगंज दोनों में से किसी एक से जोड़ने की वकालत हमेशा करते आए हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब 17 जुलाई 2024 को रेल मंत्री से मिलकर अंबिकापुर को बरवाडी से जोड़ने की मांग की तो इसका विरोध खुद भाजपा के सांसद ही करने लगे। छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों ने अंबिकापुर को बरवाडी से ना जोड़कर यूपी के स्टेशनों से जोड़ने की मांग की है और जल्द एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाकर रेल मंत्री से मुलाकात कर इस पर स्वीकृति देने की मांग करेगी। सबसे कम दूरी है बिंडमगंज से अंबिकापुर की। रेल मंत्रालय द्वारा अंबिकापुर को धनबाद मंडल के बरवाडी चौपन रेलखंड को जोड़ने के लिए बरवाडी बिंडमगंज व रेणुकूट से जो सर्वे कराई गई है उसमें सबसे कम दूरी बिंडमगंज रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर की बताई गई है। अंबिकापुर से बरवाडी के बीच 199.98 किलोमीटर, अंबिकापुर से रेणुकूट 152.30 किलोमीटर, जबकि बिंडमगंज से अंबिकापुर 150 किलोमीटर से कम दूरी बताई गई है। पहले बिंडमगंज से अंबिकापुर की दूरी 181 किलोमीटर थी, इसके बाद अलाइनमेंट सीधा कर दूरी कम करते हुए नया डीपीआर बनाने को कहा गया था। संशोधित नए सर्वे में यह दूरी घटकर 150 किलोमीटर से भी कम हो गई है। कोयला परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है प्रस्तावित रेल मार्ग। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बीच बाया श्री बंशीधर नगर सगमा धुरकी प्रस्तावित रेल सेवा से खनिज पदार्थों के परिवहन में भी सहूलियत होगी। 4 राज्यों की सीमा से सटे सोनभद्र से मध्य प्रदेश और झारखंड के लिए रेल सेवा संचालित है। इस रूट से कई यात्री ट्रेनों का संचालन होता है। कोयला सहित अन्य खनिज पदार्थ की ढुलाई भी इस रेल मार्ग से होती है। छत्तीसगढ़ से आवागमन के लिए सिर्फ सड़क मार्ग ही उपलब्ध है और रोजाना सैकड़ों ट्रकों और यात्री वाहनों का सोनभद्र में आगमन होता है। अब इस रूट पर रेल सेवा शुरू करने की पहल हुई है। कोयला परिवहन को लेकर भी यह प्रस्तावित मार्ग अन्य वैकल्पिक मार्गों की तुलना में लघुतर कम लागत वाला और अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। अंबिकापुर रेणुकूट प्रस्तावित रेल मार्ग के समीप जगन्नाथपुर ओसीपी 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कोल खदान संचालित है, जिसमें आगामी 20 वर्ष तक उत्पादन हो सकता है।
मदन नगर में 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन देने वाली माइंस चालू होने वाली है, जो आगामी 25 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट होगा। इसके अतिरिक्त भवानी प्रोजेक्ट, कल्याणपुर, वर्तिकला, वाडफनगर, बगड़ा, कोटिया जैसे कई कोल प्रोजेक्ट इस रेल मार्ग के नजदीक है। सरगुजा अंचल कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्षेत्र भी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। आपस में जुड़ जाने पर यह कोयला परिवहन के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराएगा, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद एवं व्यावसायिक है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूपी के रेणुकूट, बिंडमगंज और झारखंड के बरवाडी रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। तीनों प्रस्तावित रेल लाइन में से दो रेणुकूट और बरवाडी का डीपीआर और फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है, जबकि बिंडमगंज से अंबिकापुर रेल लाइन का सर्वे कर पूर्व मध्य रेलवे को भेजा गया है। जल्द ही तीनों रेल लाइनों के सर्वे रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण बैठक शक्ति भवन दिल्ली में होने की संभावना है।